नमस्कार, मेरे YouTube चैनल RSS थैंक्स हिंदू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लव जिहाद कैसे होता है, तो बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत से मामलों में मुस्लिम लड़के नाम बदलकर फर्जी हिंदू नाम रखकर, हाथ में कलावा पहनकर, देवी देवताओं का लॉकेट पहनकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। अगर हम मजहब के लोग आपस में आंतरिक धार्मिक विवाह करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब केवल गैर मुस्लिम लड़कियों, खासकर हिंदू लड़कियों के केवल इस्लाम में धर्मांतरण का मामला सामने आता है। इतनी बड़ी संख्या में वो भी जानबूझकर गैर मुस्लिम लड़के, विशेषकर भारत में हिंदू लड़कियों को टारगेट करके अप्रोच करना, उससे मीठी मीठी बातें करके उसको अपने भरोसे में लेने के बाद धर्म परिवर्तन कराने के लक्ष्य से उसका ब्रेन वॉश करना, जिसमें लड़की के धर्म के प्रति उल्टे सीधे प्रश्न करना, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता रहता है कि लड़की को अपने धर्म के विषय में कुछ ठोस जानकारी नहीं है। लड़की के धर्म को नीचा दिखाना और यह साबित करना कि उसका धर्म कितना खराब है और कैसे इस्लाम की एकमात्र सच्चा मजहब है, इस तरह से बरगला कर उसको प्रेम जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन करा देना। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, नाम बदल कर हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनको प्रेम जाल में फंसाने के बाद यह खुलासा करना कि वह मुसलमान है और उसके बाद जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराना, उसको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करवा देना, लड़की के साथ मारपीट करना, गर्भवती करके असहाय छोड़ देना, लड़की के शारीरिक संबंध बनाते समय उसका MMS बनाकर वायरल कर देना, फिर उसी द्वारा लड़की को धमका देना और अपने मुसलमान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लड़की का गैंगरेप करवाना, पैसे ऐंठना, लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेल देना, लड़की के मना करने पर उसकी हत्या कर देना, या लड़की वापस से अपने धर्म को अपनाती है तो उसे धमकाना, हत्या कर देने जैसे काम जब होने लगता है तब इस पर सवाल उठाना, इसका विरोध करना जरूरी हो जाता है। तो भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हो सके तो आप इस वीडियो को अपने हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।